नीतीश कुमार व्यास ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। नीतीश कुमार व्यास ने हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है, जिसके चलते उन्होंने गुना अस्पताल के सीएमओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने गुना आते समय रुठियाई और राधोगढ़ के अस्पतालों का भी दौरा किया, साथ ही वहां पर जो परेशानियां और समस्याएं देखने को मिली उनके बारे में सीएमएचओ से चर्चा की। वहीं उन्होंने कमियों को पूरा करने के निर्देश भी सीएमएचओ को दिए। साथ ही में नीतीश कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, जबकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि गुना जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। नहीं, ये औचक निरीक्षण नहीं है, ये मेरा पहले से प्लान विजिट था। मैं राजगढ़ कल था, आज उन्होंने पूरा विजिट किया है और जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से अभी तो सब संचालित पाई गई है, और जो कमियां वगैरह बताई हैं सिविल सर्जन की ओर से उसकी भी पूर्ति करने की कार्रवाई है। सिटी स्कैन चालू रही है या बंद रही? सिटी स्कैन चालू है और आज भी इसमें सिटी स्कैन हुआ है। डॉक्टर्स की कमी और भी जो कमियां हैं उनको लेकर भी कुछ? गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ पे ओपीडी का 1000 प्रतिदिन की ओपीडी होती है, तो काफ़ी पेशेंट का लोड है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई रिक्वेस्ट? यहाँ पे और भी यूनिट्स छोटे बच्चों को लेके अभी प्रारंभ कर रहे हैं। एक नियोनेटल एचडीयू यहाँ प्रारंभ होना है, जिसमें जो जन्म से कमज़ोर बच्चे हैं उनको माता के साथ ही एक वार्ड में रखा जाए। ऐसा एक 10 स्तरीय यूनिट अभी शुरू सैंक्शन हुआ है और ये शीघ्र इसका काम अभी शुरू हुआ।